दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की बारी है। 7 मई को चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में इस बार चुनाव होंगे उनमें फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी जैसे इलाके भी मौजूद हैं। जो हर जगह जब मैं जाती हूँ गांव-गांव में, तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं चुभती भी है और खलती भी है, गाँव दर गाँव मुझे पुरुष ही पुरुष नज़र आते हैं जो बैठ कर जाति धर्म तमाम समीकरणों की बात करते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो गांव में आमतौर पर नज़र नहीं आती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अगर आपको चुनावी कोई बातचीत करनी हो महिलाओं के साथ में, तो यहां हम फतेहपुर सीकरी में हैं, उसमें जो गांव है ये मुड़ी मुखरई गांव में हम मौजूद हैं। यहां पर एक परिवार के काफ़ी सारे महिलाओं को इकट्ठा किया है कि आकर थोड़ी सी हमसे जो है बातचीत करें चुनावों को लेकर, क्योंकि इन सब का वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का, और इस दफ़ा तो दरअसल महिलाएं ज़्यादा हैं अगर आप वोटरों की संख्या देखें तो। महिलाओं के मन में क्या है, आइए ये हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद इन महिलाओं से। अम्मा, क्या नाम है आपका? गुलाब देवी। गुलाब देवी, गुलाब जी, आप वोट डालने जाती हैं हर बार? हर बार। क्या सोचकर वोट डालती हैं आप? जो घर वाले कहते हैं वो डाल लेती हैं या खुद से सोचकर वोट डालती हैं? नहीं, घर वाले डरवा बताता ही डालते। घर वाले? घर वाले। तो क्या आपके दिल में क्या चलता है जब आप वोट डालने जाती हैं? आपको लगता है कि आपके वोट की ताकत है कि हम वोट देंगे तो कुछ बदलाव होगा? ताकत है, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, सब बढ़िया ही होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? सुरक्षा। अच्छा, चलिए हम यहाँ पे इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कब से वोट डाल रही हैं? मैं 7 साल से डाल रही हूँ। 7 साल से। आपने कहा कि सुरक्षा होनी चाहिए, थोड़ा बताइए किस तरह, क्यों आपके लिए सुरक्षा जरूरी मुद्दा है? पानी की और लाइट वाइट की सब चीज की सुरक्षा होनी चाहिए, और स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा की, और अब और तो यहाँ इस वक्त इस गांव में लाइट और पानी का क्या हाल है? बिजली पानी रहता है यहाँ पर? अभी तो सही चल रहा है, लेकिन लाइट बहुत कम आती है यहाँ पर। अच्छा, कितने देर आती है दिन में? 2-3 घंटे आएगी, फिर चली जाएगी 2-3 घंटे, और फिर शाम को 6 बजे आएगी। अच्छा, तो इतने देर तक फिर आप लोग कैसे, बच्चों की पढ़ाई सब चीज़ में असर पड़ेगा इसका तो? ऐसी गर्मी में लगी रहती है। अच्छा, ये बताइए, आप पहले वोट आपने दिया है? वोट मैंने तो दी ही नहीं है। दी नहीं है, इस बार देंगे आप? ना दे। हाँ, उम्र हो गई है, वोट डालेंगे? हाँ, तो है। तो आपको आता है मशीन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम में कैसे वोट डालेंगे? एक्साइटमेंट है वोट को लेकर? आपको लगता है आपकी वोट से कोई फर्क पड़ेगा, वोट का चोट होगा? क्या नाम है आपका? मनु। मनु, मनु आप भी कह रही थी कि यहाँ बिजली नहीं आती है, अब बताइए आपको और क्या क्या परेशानी हो रही है? सुबह 5 बजे चली जाती है। सुबह 5 बजे? और फिर 9 बजे आती है। अच्छा, लेकिन इतने दावे किए जाते हैं कि पूरे गांव-गांव तक जो है घर दिया जा रहा है, बिजली दी जा रही है, पानी दिया जा रहा है, तमाम नेता दावे करते हैं, मोदी जी हो योगी जी हो, वो दावे मतलब सही नहीं है? सही नहीं है, बीच में ही कहा जाता है। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि ये जब चुनाव के लिए नेता जब रैलियों में आते हैं ना, तो बातें इन मुद्दों पर नहीं होती है? नहीं होती कि बच्चों की शिक्षा हो ना हो, तब बातें होती कि भाई वो फलाना पार्टी आपकी मंगलसूत्र लेकर चला जाएगा। आप कैसे देखती हैं इन तमाम नैरेटिव्स को? आपको लगता है कि नेता लोग जो बातें होनी चाहिए उस पर बात नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, तो उससे गुस्सा आता है आपको? और क्या आती है? इतनी प्यारी सी हंसी के साथ गुस्सा रहे हो। अरे आप बताइए, आप जब वोट डालने जाती हैं, आप क्या उम्मीदवार को देखकर वोट डालेंगी? यहाँ इस एरिया से बड़े दिलचस्प आपके उम्मीदवार हैं। जो पहले फौजी रह चुके हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बहुत साधारण सी जिंदगी जीते हैं। हम तो भाजपा को वोट देंगे इस बार भी, और पहली बार भी दी थी। क्यों? क्योंकि सब घरवाले दे रहे हैं, उसी पे हम देंगे। क्या घरवाले दे रहे हैं इसीलिए? लेकिन आपको उसमें कोई फायदा नजर आता है? सरकार तो बहुत दे रही है जनता को, पर जनता तक आ नहीं पा रहा है कुछ सुविधा, जनता तक कुछ पहुंच भी नहीं पा रही है। तो वो कौन काट रहा है बीच में? बीच में तो जो लोग हैं वो काट लेते हैं सब कुछ। तो क्या वो नेता की जिम्मेदारी नहीं है? जो नेता आपको तमाम वादे कर रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं रही है, कुछ भी नहीं पहुंच रही है। कौन सी सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच रही हैं आप तक? बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो पढ़ाई बच्चों की, राशन का, राशन वो ही खा लेते हैं आंगनबाड़ी वाले। अच्छा, बच्चों तक नहीं आ पाती, जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा उस पर और बताइए विस्तार से, मतलब कितना राशन मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है आप लोगों को? काट काट के देते हैं बच्चों को, 3 साल में बंद कर देते हैं, 6 साल तक आता है ना, 3 साल तक देते हैं बच्चों को।
बंद कर देते हैं, आधा 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 किलो देते हैं, एक एक किलो आता है। और बच्चों को, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो भगा देते हैं उनको। क्यों भगाते हैं? मैडम आती नहीं है, मैडम आती नहीं है आंगनबाड़ी वाली। और बच्चे जाते हैं तो वो बड़ी मैडम आती हैं, वो भगा देती हैं बच्चों को, बैठने नहीं देती। ये क्या इसी गांव की दिक्कत आपको लगता है? हमारे बच्चे जाते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ के सांसद से मुद्दा उठाया नहीं है? वो तो भाजपा के ही सांसद है। हाँ, तो फिर पर वो बैठने नहीं देती मैडम। अच्छा, तो ये यहाँ पर छोटी है वो जाती है, मैडम नहीं बैठने देती उनको। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ी देर बैठेगी भगा देंगी उनको। चलिए, ये तो थोड़ी अजीबोगरीब दिक्कत जो है समझ में आ रही है यहाँ पर। अगर इस गांव के जो नेता हैं वो अगर सुने, आप बताइए, आपका पहला वोट है इस बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है। तनु, हाँ। आप क्या कर रही हैं? मैं बीए कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। अच्छा, हाँ। तो तनु, अभी आप पहली बार इस बार वोट डालने जाएंगे? ये वोट तो पहली बार दूंगी मैं, पर मैंने पहले प्रधानी की दे चुकी हूँ। प्रधानी का दिया है, तो इन वोटों को लेकर आप में एक्साइटमेंट है, जोश है? एक्साइटमेंट तो है, पहली बार वोट देंगे तो बीजेपी की। और क्यों देंगी आप बीजेपी को वोट? क्योंकि उन्होंने काम ही बहुत अच्छा किया है इसलिए। और क्या, लेकिन काम के साथ साथ जो इतनी ज्यादा बार बार बात हिंदू मुस्लिम की होती है, मुस्लिम ये तो दुनिया का ही है, उसमें क्या है, वो तो चलता रहता है। जैसे आप लोग अभी शिकायत कर रहे थे कि भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इन बातों पर बात नहीं करती है सरकार। सरकार बार बार जंग उसकी बात कर रही है कि 150 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, उधर क्या किया, तो मुद्दों की तो बात होनी चाहिए ना चुनावों में, होनी चाहिए वो तो। पर लाइट की दिक्कत तो ज्यादा है, अब तो कुछ नहीं है, पढ़ाई के टाइम पे ज्यादा कर देते हैं, पढ़ाई के टाइम पे तो लाइट बिल्कुल गायब कर देते हैं, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है उससे, इसलिए। हाँ, आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है? देखिए, सब लाइट से परेशान है लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं, तो ये पूरा का परिवार है। योगी जी, मोदी जी, अगर आप लोग सुन रहे हैं, देखिए इस गांव में जो है लोग कह तो रहे हैं कि ये उनकी वोट बीजेपी को जा रही है, लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। क्या नहीं है गांव में बढ़ोतरी नहीं है कोई? हाँ, कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था अब भी। तो फिर आपको नहीं लगता कि किसी और सांसद को ट्राई किया जाए, देख लिया जाए कि अगर कोई और करे, जब सब सेम चल रहा है? सेम चल रहा है, पहले भी ऐसा ही था, अभी ऐसा है, पर पहले से थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा ही है, पर ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीच में नेता लोग ऐसे हैं जो घपला कर देते हैं, उनका क्या है फिर। अच्छा, तो चलिए, वोट को लेकर जो है लोग कह रहे हैं वोट तो डालेंगे ज्यादातर, लेकिन हाँ, जो परिवार वाले जहाँ वोट डालने को कहेंगे शायद वहीं महिलाओं की वोट जाएंगी। खुद से आप क्यों नहीं सोचकर वोट डालती हैं? जब आप महिला हैं, दादी आप बताइए, क्यों आप वो पुरुष कहे तभी आप वोट डालती हैं? मैंने यहाँ की नहीं डाली है, मैं तो वो मथुरा जिले की, शरीर की। तो मथुरा की डाली है आपने? हेमा मालिनी को डाली है? हेमा मालिनी को डाली है? हेमा मालिनी को नहीं डाली। हाँ, जो पर, जो अपने फैमिली डाल रही है उसी के लिए डाल रही है, हमें तो काफी दिन हो गए जब से शादी हुई है, जब से डाल ही रही है। तो ये क्या वजह है कि महिलाएं जो हैं आप अपने हिसाब से क्यों नहीं वोट डालती हैं? आपको जो घर के पुरुष कहेंगे आप ऐसे ही वोट डालेंगे, ऐसे क्यों है? अरे वो जिसका बोलबाला है उसी के लिए डालते हैं। हाँ, जिसका बोलबाला नहीं है उसके लिए नहीं डालते हैं। तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप क्यों कह रही हैं कि घर वालों को ही पता है? आपको भी तो पता होगा। तो मैं तो पहली बार दे रहा हूं, मैं तो पहली बार दे रहा हूं ना वोट, तो मैं तो, मेरी तो बीजेपी हो जाएगी, उससे क्या है। चलो, आपने अपना मन तय कर लिया। अभी ना एक बड़ी अच्छी सी फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर जिसकी चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं यहाँ पे? नहीं देखते हैं। लापता लेडीज नाम की एक फिल्म आई है, सुना है नाम? नाम सुना है, देखी नहीं है। देखिए, लापता लेडीज में जो महिलाओं की जो आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं ना, और उसकी झलकियां आपको हर गांव में दिख जाती हैं। भारत के हर गांव, हर क्षेत्र, हर कस्बे में अगर आप जाएंगे तो जो पुरुष जिस तरीके से बैठकर हर घंटे हर क्षण जाति धर्म की बात कर रहे होंगे, महिलाएँ घर में पीछे रहेंगी, जो आपको दिखेंगी कहीं रसोई में, कहीं घूंघट डाले हुए, वोट डालेंगी वहीं पर जहां परिवार वाले, जहां इनके परिवार वाले कहेंगे। लेकिन वक्त आ गया कि आप लोग भी थोड़ी अपनी सोच को बदलें, अपने हिसाब से भी जो है वोट डालें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये वोट आपका है, ये किसी और का वोट नहीं है, आपको लगता है? हाँ, वोट आपका अपना अधिकार है, ये नहीं कि बस पति जो बोल रहे हैं, पिता जो बोल रहे हैं तो वही वोट डाल दें। आपका अपना वजूद है, अपना वोट है, डालेंगे आप उसी हिसाब से? और को सही है, ऐसी डाल रहे हैं तब कहेंगे तो ऐसी नहीं नहीं हम लोग भैया, हम पत्रकार हैं, हम जो भी पार्टी सरकार में रहती है ना, हम उस पार्टी से सवाल पूछते हैं। हमारा काम है, जो भी पार्टी सत्ता में है काम ठीक से ना करे
तो उससे सवाल पूछो और जम के साफ सवाल पूछो, बिना डरे पूछो। बहरहाल तो इस गांव में इन महिलाओं के साथ ये एक दिलचस्प बातचीत की कड़ी, आगे भी उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। फिलहाल मैं यहीं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।